हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सिविल स्टैप। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, हम उसे शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ सभी को, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ जी, कौन सी मैराथन सीरीज? डेली हमारी मैराथन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, कल भी हुआ था उसका मॉक टेस्ट और आज भी होगा। ये तो सुबह 10 बजे जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो टुडे इज 12th of July, तो आज क्या है, 12 जुलाई है और आज के दिन की विशेष महत्वता से पहले शुरू करते हैं। और आज हम कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज भी देखेंगे, दो चार स्पोर्ट्स की न्यूज रहेंगी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में भी जानेंगे जो भारत के साथ किन किन देशों के कॉन्टैक्ट वगैरह हो रहे हैं, और कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और आज है 12th of July और आज विशेष रूप से दो दिवस मनाए जाते हैं। पहला तो मनाया जाता है, दैट इज द पेपर बैग डे। कौन सा डे है? पेपर बैग डे। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि प्लास्टिक को लेकर बैन चल रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। तो उसको नजर में रखते हुए इस दिवस की मान्यता को देने के लिए, पेपर को मान्यता देने के लिए कि प्लास्टिक को हम यूज ना करें, दैट्स वाई पेपर बैग डे मनाया जाता है। और आज के दिन क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, इतिहास है, उसको देखते हैं। ये जो दिवस है पेपर बैग डे, 1852 में एक अमेरिकन ने इन्वेंट करा था पेपर बैग। देन फिर 1871 में मार्गरेट ई नाइट डिजाइन अदर मशीन प्रोड्यूसिंग द फ्लैट बेस पेपर बैग, जिनके तहत इसने क्या ले लिया था, पेटेंट ले लिया था। नाउ शी इज नोन एज द मदर ऑफ द ग्रोसरी बैग। इनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ ग्रोसरी बैग, पेपर बैग। एंड दैट्स व्हाई इन दिस सेंस हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, पेपर बैग डे मनाया जाता है, सिंपल। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द 12th of July, दैट इज द वर्ल्ड मलाला डे। वर्ल्ड मलाला डे या फिर इंटरनेशनल मलाला डे के रूप में इसे मनाया जाता है। नाउ हु इज मलाला? मलाला क्या है? मलाला एक एक्टिविस्ट है, एक वीमेन एक्टिविस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में 1997 में होता है, राइट? और तालिबान के कंट्रोल के चलते पाकिस्तान में गर्ल्स को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने दैट इज अ फोर्सफुली इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए जो है आवाज उठाई। और 2012 में इस चीज के कारण इनको तालिबान ने गोली भी लगा दी थी, इनके सिर के ऊपर चोट भी आ गई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना जो कह लीजिए मिशन है पढ़ने को लेकर, वो जारी रखा। तो इसीलिए वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर, इन्हीं की बर्थ डेट के ऊपर, डन, ताकि जो इन्होंने लोगों के प्रति स्पेसिफिकली विमेन एडुकेशन को लेकर और चाइल्ड की एडुकेशन को लेकर जो इन्होंने आवाज उठाई है, ह्यूमन राइट्स को लेकर जो भी इन्होंने आवाज उठाई है, इसके लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। देन यूनाइटेड नेशंस ने ही इस दिवस को घोषणा की थी कि इस दिवस को 12 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड मलाला डे के रूप में। इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी बुलाया गया था फॉर द स्पीच। इन्हें नोबल पीस प्राइज भी मिला है, और सबसे कम उम्र के ये दैट इज विजेता रहे इस नोबल पीस प्राइज की। इसके साथ साथ इन्हें जो है ह्यूमन राइट्स का भी अवार्ड, चाइल्ड ह्यूमन राइट्स को लेकर भी इन्हें अवार्ड मिला है, और इनके नाम के ऊपर एक एस्टेरॉयड का नेम भी रखा गया है, दैट इज द मलाला। तो मलाला डे हर वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, पाकिस्तान में इसका जन्म होता है, मलाला यूसुफ़ज़ई। ठीक
ठीक है जी, 1997 में जन्म होता है और अपने लिए आवाज उठाई, इसके साथ साथ इन्होंने बाकी बच्चों और स्त्रियों के लिए भी आवाज उठाई। इनके नाम के ऊपर एक एस्ट्रॉइड का भी नाम है। डन, चल। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी के राजा रमन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ IFSCA। के राजा रमन जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, इनको जो है IFSC दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। तो बात कर देते हैं कि ही इज द रिटायर्ड IAS ऑफिसर, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एन IAS ऑफिसर, नॉट रिटायर्ड IAS ऑफिसर है एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी भी है, एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी भी है के राज रमन एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। 3 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, या फिर 3 वर्ष या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये यहाँ के नियुक्त रहेंगे चेयरपर्सन। ये सक्सीड किसे कर रहे हैं? ये सक्सीड कर रहे हैं इंजेति श्रीनिवास को। किसे सक्सीड कर रहे हैं? इंजेति श्रीनिवास को, जो 2020 से जो है इसके चेयरपर्सन थे। IFSC की बात करें तो ये अप्रैल 2020 में सेटअप किया गया था अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत। इस एक्ट के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज गिफ्ट सिटी गांधी। चलो, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द बेल्जियन टेनिस ग्रेट जस्टिन हैनिन। जस्टिन हैनिन को मिला है ITF's हाईएस्ट ऑनर। व्हाट इज दैट? दैट इज द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अपना हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, ऑनररी अवार्ड दिया है जस्टिस हैनिन को, राइट? द फिलिप चार्टियर शैट्रियर अवार्ड, द फिलिप शैट्रियर अवार्ड। हैनिन ने 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स को जीता है एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है ये, एंड बेल्जियम की टीम की ये हिस्सा रही है। इसके साथ साथ इन्होंने फेड कप को जीता था, जिसे आज की डेट में बिली जीन किंग कप भी कहते हैं, 2001 में। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द ITF प्रेजिडेंट, was introduced in 1996 and recognized the people who made significant contribution in the sport. जिन जिन लोगों ने स्पोर्ट में बहुत अपना योगदान दिया होता है उन लोगों को ये प्राइज दिया जाता है। ITF के प्रेसिडेंट के नाम से ये अवार्ड जो है दिया जाता है एंड 1996 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी जो लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत के, ये 21 साल के हैं, इन्होंने कनाडा ओपन 2023 को जीता है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन जो है इन्होंने चाइना के ली शी फेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 का खिताब जो है अपने नाम करा है। BWF वर्ल्ड टूर के बाद इनका 1 साल के बाद ही पहला दैट इज द ट्रॉफी रही है जो इन्होंने अपने नाम करी है, लक्ष्य सेन। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी पार्थ सलूंखे। हां जी, पार्थ सलूंखे बने हैं भारत के पहले दैट इज तीरबाजी जो करते हैं, पहले आकर जिन्होंने जीता है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मैंस रिकर्व कैटेगरी। इन मैंस रिकर्व कैटेगरी में भारत के पहले पर्सन रहे हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है, दैट इज पार्थ सलूंखे। बात करते हैं पार्थ सलूंखे की, ये पहले इंडियन मेल बने हैं आकर टू विन दिस गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी इन द मैंस सिंगल्स यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। देन ये 19 ईयर ओल्ड फ्रॉम दिस सतारा इन महाराष्ट्र, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने खिताब जीता है और कोरियन के प्लेयर को डिफीट करके ये खिताब जो है जीता है। इसके साथ साथ भारत जो है 6 गोल्ड, भारत ने इस चैंपियनशिप में 6 गोल्ड हासिल करे हैं,
एक सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल करे हैं, एंड हाईएस्ट पोजीशंस में से एक रहा है इंडिया। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, तो इंडिया सेकंड आया है, कोरिया फर्स्ट आया है विद 6 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल्स। डन। तो आपको दो न्यूज पता चल गई कि इंडिया में इस चैंपियनशिप में सेकंड रैंक को हासिल करा है ओवरऑल, और भारत का जो पार्थ है उन्होंने गोल्ड जीता है, और भारत की ओर से ये पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है इस अंडर 21 चैंपियनशिप में। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी कर्नाटक के जो सरकार है उन्होंने 2023-24 के लिए जो अपना बजट है उसे पेश किया है, और जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पर बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश करा था। लेकिन कर्नाटक में मतलब स्टेट लेवल पे सीएम मोस्ट प्रोबेबली जो है बजट को पेश करता है, तो उसी प्रकार से कर्नाटक के जो सीएम है दैट इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धारमैया जो है, इन्होंने जो है बजट को पेश करा है, और बजट जो है मुख्य तौर पे फोकस करता है एडुकेशन को लेकर, राइट। इसके साथ साथ उन्होंने पर्टिकुलर रूप से इंश्योरेंस के ऊपर भी ज़्यादा बात करी गई है इस बजट में। डन। और अगर हम बात करें तो इन्होंने बजट कितने रुपीज़ का पेश करा है, रुपीज़ 3.27 लाख करोड़ का जो बजट है पेश किया गया है, जिसमें से एडिशनल अगर हम बात करें एडिशनल फाइनेंशियल एड दी जाएगी 4,000 से 5,000 हर मंथ हर हाउस होल्ड को। डन। और 37,587 करोड़ जो है एडुकेशन के लिए दिए हैं, 24,166 करोड़ दिए विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर, 11% और 7% जो है टोटल बजट की एलोकेशन रही है। दैट मीन्स एडुकेशन को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें हेल्थ को लेकर, एडुकेशन को लेकर जो है बजट फोकस कर रहा है। चलिए, और इसके साथ साथ सीतारमैया जी ने 7th बजट पेश किया है एज द सीएम। इनका ये 7th बजट है जो इन्होंने पेश करा है। चलिए, ये आप देख लीजिए कर्नाटक की, दैट इज द पोजीशन कर्नाटक कहां पर है, और इसके साथ में कौन कौन से रीजन जो है लगते हैं। देन आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु जो है इसके बाउंड्री स्टेट है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी ने अमा पोखारी एक ये जो स्कीम है ना, इसे लॉन्च करा है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, अर्बन वाटर बॉडीज को लेकर, मतलब उनको पूर्ण जागृत कराया जाए अच्छे से, उनको फ्रेंड मतलब उसकी देखभाल को लेकर ये अमा पोखारी योजना जो है एस्टैब्लिश की गई है ओडिशा के सीएम के द्वारा। सो ओडिशा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च दी अमा पोखारी योजना, जिसमें उन्होंने बात करी कि किस प्रकार से 2000 लार्ज वाटर बॉडीज को जो है उन्होंने जो अर्बनाइज्ड अर्बन वाटर लोकल बॉडीज हैं उनको जो है रिजुनवेट करने की बात करी गई है। अगर हम ये देखें, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है दिए हैं, दैट मींस इस प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन के लिए 120 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। डन। और ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथोडोलॉजी से हम इस चीज को सही करें, ना कि हम फिर दोबारा से कोई दैट इज द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज करें ताकि जिससे और ज्यादा जो है इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, तो ये ऑर्गेनिक वे जो है यूज किया जाएगा। डन। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी यू नो दैट 2023 इज रिगार्डेड एज द इंटरनेशनल माइलेट ईयर। हाँ जी, सभी को याद है कि 2023 को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज द इंटरनेशनल माइलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी सेलिब्रेशन को नजर में रखते हुए भारत और केन्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है केन्या, भारत और केन्या मिलकर जो है इसे सेलिब्रेट करेंगे अगस्त में। डन। इंडिया एंड केन्या जो है इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अगस्त में, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। अगर हम बात करें
माइलेट्स किस किस प्रकार के भारत में है? तो मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो इसमें कोडो, बाजरा, देन बार्नयार्ड, सोरघम, लिटल रागी, ब्राउन टोप, प्रोसो, फॉक्सटेल, ये सारे के सारे क्या है भाई? बाजरा है जो भारत में पर्टिकुलर रूप से प्रोड्यूस किए जाते हैं और इंडिया इन्हीं पर्टिकुलर माइलेट्स को जो है पेश करेगा। तो अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ केन्या ने ये डिसाइड करा है कि इंडिया अफ्रीका इज होस्टिंग इंटरनेशनल माइलेट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर की जाएगी? केन्या में की जाएगी, नॉट इन इंडिया। सेलिब्रेशन दोनों मिलकर कर रहे हैं, होस्ट दोनों मिलकर कर रहे हैं, बट कहाँ पर? केन्या में मिलकर कर रहे हैं, 30 से 31 अगस्त 2023। देन इंडिया जो है पर्टिकुलर रूप से नो माइलेट्स को जो है प्रोड्यूस कर रहा है ट्रेडिशनल रूप से, जिसकी हमने अभी बात करी थी, सोरगम, पर्ल माइलेट, फिंगर माइलेट, फॉक्सटेल, पोर्सो, राइट, लिटल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप और कोडो, ये सारे माइलेट्स हैं जो वहां पर पेश भी किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, आप पोजीशन देख लीजिए अफ्रीका में। हियर इज द केन्या। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, क्योंकि इक्वेटर जो है वो यहाँ से पास होता है, केन्या से पास होता है इक्वेटर, एंड हियर इज द केन्या। और इसके साथ ही क्या है? तंजानिया है। अभी हम तंजानिया को लेकर भी न्यूज पढ़ेंगे, इसलिए आप ये जो मैप है अच्छे से देख लीजिए। दिस इज द केन्या जहां से प्रॉपरली इक्वेटर जो है पास होता है। माउंट केन्या बिल्कुल इसके पास स्थित है और इसके सराउंडिंग जो है एरियाज वो आप देख लीजिए, तंजानिया, इथियोपिया, सोमालिया एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी भारत और तंजानिया के बीच में इकोनॉमी को लेकर एक साइन हुई है कि भारत और तंजानिया जो है लोकल करेंसीज में जो है डीलिंग करनी स्टार्ट करेंगे। इंडिया तंजानिया बिगिन द ट्रेड सेटलमेंट इन द लोकल करेंसी, जो क्षेत्र की करेंसी करेंसी होती है उसमें जो है दैट इज द डील भी करेंगे। ये एस जयशंकर जी वहां पर गए थे, तो तब जो ये है न्यूज हमें पता चली। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन्फॉर्म करा है कि इंडिया और तंजानिया जो है ट्रेड जो है स्टार्ट करेंगे इन द लोकल करेंसी। देन इंडिया तंजानिया बायलेटरल ट्रेड हैज सीन एवरी स्ट्रॉन्ग स्टूड एट द यूएस डॉलर। कितने डॉलर्स का ट्रेड होता है? 6.4 बिलियन का ट्रेड हुआ है 2022-23 में अभी तक। तो इसको नजर में रखते हुए ये ट्रेड जो है किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनेडा बैंक, ये तीनों जो बैंक हैं ये ऑपरेटेड है कहाँ पर? तंजानिया में ऑपरेटेड है, जो भारत के ये तीन बैंक हैं। अबाउट दी चीन कंट्रीज ऑलरेडी जो है वॉस्ट्रो अकाउंट्स जो है इसमें जो है दैट इज द स्टेबल जो है कर चुके हैं, अकाउंट्स जो है इसमें ओपन कर चुके हैं अबाउट द 18 कंट्रीज। डन। अब आप तंजानिया को भी देख लीजिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है। देयर इज द केन्या, युगांडा, तंजानिया, बाकी जो आपको देखना है अच्छे से आप मैप को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है इट इज वन ऑफ दी वेरी क्लीन सिटी में से एक आती है, लगातार 6 सालों से जीतती आ रही है। अब इंदौर को लेकर ही दूसरी न्यूज ये है कि इंदौर की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये भारत की पहली अर्बन बॉडी बनी है टू अर्न द EPR क्रेडिट। EPR क्रेडिट लेने वाली ये भारत की पहली जो कह लीजिए इंदौर सिटी बनी है। इंदौर इज वेरी फेमस फॉर द आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बहुत फेमस है इंदौर। तो बात करते हैं पहले मध्य प्रदेश में, हियर इज द इंदौर, इसके नीचे विंध्यास की पहाड़ियां हैं, तो इसलिए इंदौर की पोजीशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज इंदौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या बनी है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पहली अर्बन सिटी बनी है, राइट, बाय रिसाइकलिंग। ये कौन सा क्रेडिट है? बाय रिसाइकलिंग द बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाले और रिसाइकल करने वाले ये जो पहली सिटी बनी है मध्य प्रदेश की इंदौर, राइट, और भारत की क्लीनेस्ट सिटी में से एक 6th टाइम जो है इंदौर रह चुकी है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 1162 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है जनरेट होता है
हर दिन इंदौर में एंड विच इंक्लूड्स अ 164 टन्स ऑफ प्लास्टिक. 164 टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है इंदौर में यूज किया जा रहा है और उसको रिसाइकल, उस वेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहली जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है इंदौर. चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर न्यूज टुडे. अब चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर. चलिए, हाँ जी, पहला प्रश्न आपके सामने. इंडिया एंड विच कंट्री होस्टेड अ टू डे इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल माइलेट कॉन्फ्रेंस ऑन 30-31 अगस्त 2023. हाँ जी, भारत और कौन सा राज्य है, अफ्रीका राज्य, अफ्रीका देश, जो इस इंटरनेशनल माइलेट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है? यस, कौन कर रहा है इसको ऑर्गेनाइज? आंसर इज द केन्या. डन. चलिए, कर्नाटक बजट प्रेजेंटेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन 7 जुलाई 2023. आपको बताना है सीएम कौन है. हाँ जी, यस, सो हियर द आंसर इज श्री सीधा रमैया. चलिए, अगला प्रश्न देखें. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल आकर टू विन अ गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप? युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने? यस, पुरुष तीरंदाज कौन है भाई? पार्थ सोलंके. 19 साल के पार्थ सोलंके है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेटेड? हां जी, वर्ल्ड मलाला डे किस दिन मनाया जाता है? सो हियर द आंसर इज 12th of July. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए, द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हैज अवॉर्डेड इट्स हाईएस्ट ऑनर द फिलिप चार्टियर अवार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हां जी, फिलिप चार्टियर अवार्ड किसको दिया गया है? यस, जस्टिन हैनी. अगला प्रश्न देखें. Who has been appointed as the next chairperson of International Financial Services Center Authority? Yes, IFSCA की chairman किन्हें नियुक्त किया गया है? Yes, इंजेती श्रीनिवास को सक्सीड कर रहे हैं IS and Telecom Secretary K Raja Raman जो है इन्हें सक्सीड कर रहे हैं. चलिए, अगला प्रश्न देखें. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज इन्फॉर्म दैट इंडिया हैव स्टार्टेड ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसी विद विच कंट्री? हां जी, किस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड जो है लोकल करेंसी में स्टार्ट होने जा रहा है? आपको इसका उत्तर देना है. यस, सो देयर आंसर इज तंजानिया. चलिए, अगला प्रश्न. रिसेंटली अमा पोखरी योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट मिनिस्टर? हां जी, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अमा पोखरी योजना की शुरुआत की जा रही है? अमा पोखरी योजना, नवीन पटनायक जो सीएम है ओडिशा के. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हां जी, नेम द पर्सन हु डिफीटेड चाइनाज ली शी फेंग टू क्लिंच द मैन सिंगल टाइटल एट कैनेडा ओपन 2023. हां जी, कैनेडा ओपन 2023 जो है किसने जीता है? यस, हु इन दिस? लक्ष्य सेन. लक्ष्य सेन जो है इन्होंने ये खिताब जो है
चीता है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए अगला प्रश्न. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू गेट द ईपीआर क्रेडिट. हाँ जी, रिसाइक्लिंग द दैट इज द बैंड ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कौन सी सिटी बनी है इन दिस टॉप. किसने ये ईपीआर क्रेडिट को जीता है? द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज इंदौर नगर निगम ने इसको जीता है. चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड इफ यू हैव टू नोटिफाइड कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट आप अवेयर रहें कि कौन कौन से करंट इंसिडेंट्स जो हैं, इवेंट्स जो हैं, हो रहे हैं, और सिविल स्टाफ आपके लिए कौन कौन से नई नई जो चीज़ें हैं वो लेकर आ रही है. ठीक है जी, चलिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.